नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज बाज। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हरियाणा सीईटी के बारे में। तो हरियाणा सरकार ने पहली बार सीईटी मतलब कॉमन एंट्रेंस टेस्ट को का फॉर्म निकाल दिया है, और इसका जो लास्ट डेट है वो आप लोगों को पता होगा कि पहले 31 से 31 मई था, अब ये जो लास्ट डेट है वो 30 जून तक कर दिया गया है। तो आपके पास अभी भी 30 दिन बचे हुए हैं, और किसी स्टेट गवर्नमेंट ने पहली बार सीईटी का एग्ज़ाम जो है ना मतलब वो उसके लिए फॉर्म निकाला है। इसी तरह हो सकता है कुछ दिन बाद आपको सेंट्रल गवर्नमेंट का भी सीईटी का फॉर्म देखने को मिल जाएगा। सीईटी मतलब अब एक ही एग्ज़ाम होगा, आपको सारे एग्ज़ाम के लिए एक ही फॉर्म फिल करना है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट का, इसका मैं लिंक आप लोगों को दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप वहाँ से भी जाके यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल नंबर देना है, कैप्चा लिखना है, लॉगिन करना है, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा ये अपडेट आ रहा है, क्योंकि अब आपके पास सिंगल एग्ज़ाम होगा और उसका वैलिडिटी जो रिजल्ट होगा उसका वैलिडिटी 3 साल का होगा। और इस सिंगल फॉर्म में केवल ₹500 फॉर्म का दाम है, और सिंगल फॉर्म में यहाँ पे 10, 12 और ग्रेजुएशन के लिए जितने भी वैकेंसी आते हैं ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए, सभी के लिए अप्लीकेबल हो जाएंगे केवल इस सीईटी के फॉर्म से। एक जो सीईटी होता है वो होता है कंबाइंड होता है, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, वो होता है यूजी और पीजी के लिए। बट ये जो मैं बता रहा हूँ ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इसके बारे में आप लोगों को जानकारी दी थी। तो बहुत ही अच्छा न्यूज़ है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी बहुत जल्द आपको सीईटी का फॉर्म देखने को मिलेगा सेंट्रल गवर्नमेंट का भी, और हो सकता है कि कुछ दिन में बाकी सब स्टेट भी रिलीज़ करें स्टेट सीईटी, आप इसे बोल सकते हैं स्टेट सीईटी। तो हरियाणा सरकार की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब है सभी के सभी इसके अंडर में आ जाएंगे। मतलब आप इस बार अब तक जितने फॉर्म निकल गए हरियाणा में, उसके बाद अब कोई फॉर्म नहीं निकलेगा। अब केवल आपको सीईटी आपको देना है, किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करना है तो किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उसके बाद ही आप किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लीकेबल होंगे। तो सीईटी मतलब आपका हो गया प्रीलिम्स है, उसके बाद आपका मेंस होगा। मेंस मतलब मान लीजिए कि आपने ग्रुप सी के लिए, हरियाणा एसएससी का ग्रुप सी आता है, तो उसमें आप मेंस का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो पहले आपका सीईटी का मार्कशीट देखा जाएगा, मेरिट बनाया जाएगा सीईटी के मार्कशीट के बेसिस पे। उसके बाद आप ग्रुप सी के एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं या ग्रुप डी के एग्ज़ाम को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो एज लिमिट होगा हरियाणा के सरकार के सीईटी में, वो 1742 1742 होगा, किसी भी स्टेट के लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा है, मौका है आपके पास, पहली बार सीईटी का फॉर्म किसी स्टेट ने निकाला है। ठीक है ना, तो इसके अलावा किसी को कोई जानकारी चाहिए होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है।